मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जो मैंने आपको मेडिसिन समथिंग कितना 1.5 महीना हो गया आई थिंक, है ना? हाँ सर, डेढ़ कितना लगता है? तो नहीं, 1.5 हुआ सर। मैंने 3 तारीख से स्टार्ट करी थी तो अभी 1 महीना होगा एक अभी। महीना हुआ है तो क्या लगता है आपको कि कितना परसेंट तक आपको रिकवरी हो रहा है, शरीर का क्या कुछ हिसाब किताब है? मैं अभी तो ऐसे नहीं कह सकती हूँ, कारण मैं ये नहीं कह रही कि कोई नेगेटिव तरीके से बोल रही हूँ, बट क्योंकि सर ना ऑब्जर्व करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम मुझे एटलीस्ट 1 महीना तो नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ठीक है, लेकिन अभी जो हाँ मेडिसिन आप देखो, ऐसा होता है ना आयुर्वेद, जो कोई मेडिसिन अगर आपके शरीर में अच्छा कर रहा है ना, तो मेडिसिन लेने के 6-7 दिन से पता चल जाता है। हाँ नहीं अच्छा तो है सर, मुझे ये तो मैं कंफर्म कह सकती हूँ कि बेनिफिशियल मुझे लग रही है, क्योंकि कभी सर 2-4 चीजें जैसे आपके व्यक्तित्व की भी मैं कह सकती हूँ कि मुझे है ना कभी किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि आप हर हफ्ते मुझे फोन करके बताएं दैट हाउ डू यू फील। तो दूसरा उससे भी थोड़ा सा पॉजिटिव लगता है, ऐसा लगता भी है कि हाँ वाकई में कोई डॉक्टर है जो इनिशिएटिव ले रहा है आपको ठीक करने का। दूसरी चीज, पहले ऐसा होता, अभी भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं है लोग चले गए हैं या मैं बिल्कुल अकेली बंजारन हो गई, अभी भी लोग हैं वही हैं जो पहले भी दुखी करते थे, अभी भी कर ही रहे हैं। लेकिन सर ऐसा नहीं है कि पहले पहले ऐसा था कि मैं बहुत ज्यादा बह रही करती रहती थी, सारे टाइम रोती रहती थी या बहुत ज्यादा सर दुखाती रहती थी अपना। अभी जैसे है कि थोड़ा सा गिव अप करना आ गया, थोड़ी सी सर स्ट्रेट फॉरवर्ड भी मैं हो गई हूँ कि हाँ मैं अपनी बात कहने लगी हूँ, स्ट्रेस में कमी आई है तो लगता है मुझे ये तो 100%। और मेरा डिजेस्टिव सिस्टम भी कभी इतना इतना मैजिकल कभी भी नहीं था, अब तो ऐसे जैसे तब भी सर इतनी बड़ी हो गई, मैं 33 साल की हूँ, अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं सुबह उठते ही फ्रेश होने चली गई। अभी जब से आपकी दवाई स्टार्ट हुई है मेरा पेट बहुत अच्छा है। अभी 2 दिन शादी में थी तो ऐसा नहीं था कि मतलब वहां तो आपको पता ही शादी में तो खाना कैसा होता है, पर ऐसा नहीं था कि मेरा पेट ब्लॉक हो गया है या मैं फ्रेश ही नहीं हो पा रही, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपकी दवाइयों की वजह से सब ठीक है। तो एक चीज मैं आपको देता हूँ कि हाँ देखो ऐसा, हमारा जो शरीर है ना, शरीर में शरीर खुद ही किसी भी प्रकार के रोगों को कभी शरीर रखना नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। मतलब शरीर में ना देखो, सुबह पेट साफ होना चाहिए, मन एकदम अच्छा होना चाहिए, और ये सारी चीजें अगर शरीर की जो गति है, अगर वो प्रोसेस उसकी एकदम अगर अच्छा हो, पक्का हो, बहुत बढ़िया तरीका से हो, तो इंसान कभी रोगी नहीं होता है। पहली बात, रोग से मुक्त होने के लिए, ठीक होने के लिए सिर्फ अगर, क्यों आपके ना पहले मन में क्या था, जब मुझे मालूम है ना, फर्स्ट टाइम जब आपने, आपके मम्मी ने फोन किए थे, तो तब आप मेरे से बात भी करना नहीं चाहते थे, मुझे याद है। तब आपको ऐसा लगता था कि यार मैंने PhD किए, डॉक्टर को दिखा लिया, वहां से कुछ नहीं हो रहा है, तो इनसे क्या होगा, और ये ऑनलाइन नहीं सर से। वो बात नहीं है कि मैं कभी किसी पे, अगर सर मैं भरोसा नहीं करती तो मैंने दुनिया भर की खाक छान ली है, ऐसा नहीं है। मैं कभी किसी को नेगेटिवली नहीं लेती, ये मेरा नहीं, मतलब देखो नेगेटिव की बात नहीं है, बाय बात यह गॉड है कि ग्रेस आप ये मैंने ये नहीं सोच, सोचा था, देखो मैंने ये आप, सोचा था कि भाई मैं क्या बताऊंगी, मतलब एक वो होता है ना हेजिटेशन होता है कि कभी फोन पे किसी ने इतना वो नहीं, मुझे स्ट्रेस आउट नहीं किया कि भाई जानना है मुझे जर्रा जर्रा अपने पेशेंट के बारे में जानना है, कभी ऐसा हुआ नहीं ना सर। हमें तो सर वो ग्रांटेड ही लिया है सबने, तो मुझे हेजिटेशन था कि कहीं मैं कुछ आलतू फालतू तो नहीं बता दूंगी, क्योंकि बहुत बार बहुत चीजें ऐसी हो चुकी है जिसकी वजह से अब आप देखो मैं समझते आपके हैं ऊपर कि ज्यादा फोकस इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आप इस तरह से सोच रहे थे उस समय कि यार इसको, मुझे लगा कि आप एक एजुकेटेड लड़की हो, आप पढ़ी लिखी हो, एक फैमिली आप कर रहे हो राजस्थान में, और फिर भी आपके मन में इतनी सारी नेगेटिव चीजें भरी हुई थी उस समय। आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे खुद के वजह से, आप बहुत ज्यादा टेंशन में थे, होते स्ट्रेस ही में नहीं थे। सर आपके इतने, मम्मी ने मुझे 19 सालों आपके बारे में में बहुत कुछ मुझे परेशान बताया, फिर मैंने कहा होते कि हुए कोई बात नहीं, ये मेरी, मैं इसको अपने मन से अपना बहन बना लेता हूँ, और अगर कभी फोन नहीं करती तो मैं डांट भी दूं। और मैंने कोई उनको कहा कि भाई इसको कन्विंस दिक्कत करो कि नहीं है हर सर। 7 दिन में एक बार मुझे फोन करना है, और जो जैसा भी शरीर की जो हिसाब किताब है वो सारी चीजें, ठीक है, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। क्योंकि देखो कोई भी व्यक्ति अपने खुद से ये सोचे कि मैं पूरी तरह से परफेक्ट हूँ, मैं ठीक हो चुकी हूँ, और इस ठीक होने की शारीरिक क्रियाओं को हमेशा बनाए रखने के लिए आप, मुझे थोड़ी व्यायाम करना है, योगासन करना है, जो मैंने आपको वीडियो भेजा है उस हिसाब से मेडिटेशन करना है, और जरूरत को ध्यान में रख करके आयुर्वेदिक मेडिसिन मैंने कुछ खाना है। कभी ये ख्याल रखना कि कोई भी मेडिसिन 100% किसी व्यक्ति को ठीक नहीं करता, ठीक जो करता है, जो मैं कर रहा हूं ना आपके साथ,
मैं आपके साथ एकदम उस हिसाब से संपर्क में बन रहा हूँ, मैं आपको भाई बन रहा हूँ। और ये किसी पेशेंट को ठीक करने का भाई यही एक तरीका है कि उसको इतना भरोसे में लो, इतना कन्विंस करो कि उसको लगने लगे कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ठीक होने के लिए जो कुछ भी शारीरिक मानसिक जो एक्टिविटी जो की जानी जरूरी है वो आप हमेशा करें, और ये मैं आपको हमेशा प्रोत्साहित करता रहूं। और आवश्यकता उसके बीच में जो कोई मेडिसिन होगी तो वो आपकी स्थिति को ध्यान में रख करके कुछ मेडिसिन आपको मैं भेजता रहूं। जो मेडिसिन तो मैंने आपको भेजा दो वो तीन हाँ मेरी भी क्वेरी है आपसे। एक तो ये जो वीडियो की आप बात फरमा रहे हैं वो वीडियो अभी आपने शायद मम्मी को भेजा होगा, वो मेरे पास नहीं आया सर कोई भी। अच्छा 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 ठीक है। बट आप ना और थोड़ा थोड़ा आप दूसरी मेडिटेशन आप करते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा सा आप सर, करते और रहिएगा। दूसरी चीज ये सर जो अभी परसों मुझे मिला है दवाई का सैशे, तो उसमें जो दवाइयाँ हैं वो वैसी ही है जैसी पहले वाली थी या नहीं, थोड़ा चेंज है, थोड़ा चेंज है, ठीक है थोड़ा तो सा ही वो चेंज है, ज्यादा चेंज वैसी नहीं। ही लेनी है जैसे वैसे पहले वैसे लेनी लेना थी। वैसे ही है जैसा मैंने आपने देखो ऑडियो में मैंने बोला हुआ है ना, हाँ आप हाँ देखो जब मेडिसिन भेजा तो कैसे कैसे लेना है नंबर बाय नंबर मैंने बोला हुआ है। ठीक सर है हाँ नहीं वो तो ध्यान है मुझे। और सर जो पुरानी थोड़ी बहुत बची हुई है उनका क्या करना है, डिस्क्रेट कर दूँ या चलने दूँ? उसको आप शायद मेरे हिसाब से उसको आप उसकी अब जरूरत नहीं है, सेकंड टाइप का मेडिसिन आप शुरू करो आप। ठीक है सर, तो मैं ना कल से नई मेडिसिन स्टार्ट कर दूँ। ठीक है। और ठीक आप और हमेशा वो मेरे कच में रसराज रस सर वो कैसे लेनी है? रसराज रस तो पहले जो आप जैसे ले रहे थे कैसे ले रहे थे? पहले नहीं थी सर दवाई, अब के बारे ओ बताइए रसराज आप। रस फिर आपने भोजन करने के बाद, आप मेरे ऑडियो देख लो वहाँ बेहतर रहेगा आपके लिए। आप ना सर आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली भेज दें, क्योंकि मम्मी को भेजते हैं तो मम्मी भी क्या है कि अपने 50 कामों में भूल जाती है फिर भेजना, तो आप फरमाते हैं फिर ठीक मैं है, जब मम्मी आप को फोन। एड्रेस भेजना होता है ना, पैसे जमा करके जब एड्रेस भेजना होता है तो मुझे इसी नंबर से आप भेज दिया करिए। सर ठीक है ठीक है। ठीक है ना? और मम्मी से कह देना कि अच्छा चलो मैं वहां से मैं कर लूंगा इधर, बस मेरे को हर 7 दिन में एक बार संपर्क करना है। आप जो रसराज ठीक है रस सर है सुबह खाना खाने के बाद आपने आप घी और शहद के साथ इसको लेना है। ठीक है अगर पेट में गैस बनती है, भूख नहीं लगती, बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, पेट में दर्द हो रही है, ऐसे कंडीशन में मेरे से संपर्क करना है उस दवाई को लेने से पहले। ठीक है ओके ठीक है। हाँ चलिए, ओके ओके करते सर हैं। ठीक थैंक यू सर। है, थैंक यू।